हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे ऑल थिंक यूट्यूब चैनल वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको बताऊंगा, फ्रेंड्स आप फर्स्ट टाइम जब फ्रेंड्स कार ड्राइव करेंगे या फर्स्ट टाइम आप जब कार चलाएंगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना, और फ्रेंड्स मैं टिप बाय टिप बताऊंगा आपको कौन सा क्लच है, कौन सा एक्सीलेटर है, कौन सा ब्रेक है। तो फ्रेंड्स मैं बताऊंगा आज आपको, फ्रेंड्स जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप देख सकते हैं जैसे ये गाड़ी है, पहले आप सबसे पहले आप जब गाड़ी चलाए तो पहले आप अपनी गाड़ी के साइज देख ले कितनी बड़ी गाड़ी है, उस हिसाब से आप वरना टर्निंग वर्निंग कर देखेंगे। तो फ्रेंड्स वो तो मैं बाद में बताऊँगा, पहले मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स क्या होता है कि फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर और क्लच और एक्सीलेटर वगैरह कैसे होते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये नीचे दिखाता हूँ, फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, फ्रेंड्स ये ए बी सी डी, मतलब फ्रेंड्स हमारा ए होता है एक्सीलेटर, ये एक्सीलेटर हो गया मतलब ये रेस हो गया, ये वाला रेस हो गया। फ्रेंड्स बी होता है ब्रेक, जो ये है ब्रेक। फ्रेंड्स सी होता है क्लच, जो हम दबा के आराम से गियर में शिफ्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, जैसे ये है हमारा रेस, ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारा हो गया ब्रेक और ये हो गया हमारा क्लच। तो आपको क्या करना है, अब मैं गियर दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ये है हमारा गियर। जैसे कि आपको जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे, जैसे ये चाबी है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये चाबी जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है तुरंत ही, फिर आपको फ्रेंड्स ये क्लच दबाना है, ये क्लच दबाना है पूरा दबाना है फ्रेंड्स प्रेशर से। और आपको फर्स्ट गियर देख सकते फ्रेंड्स, फर्स्ट गियर ये होता है फ्रेंड्स, आप ये करेंगे एल, एल में ऐसे, ये फ्रेंड्स हो गया फर्स्ट गियर आपका। फ्रेंड्स अगर फिर आपको सेकंड गियर लगाना है तो फ्रेंड्स क्लच फिर से दबाए, फिर आपको उधर थोड़ा प्रेस करके आपको नीचे करना है। और फ्रेंड्स आपको थर्ड गियर लगाना है तो फिर आपको डायरेक्टली न्यूट्रल पे आके फिर आपको ऊपर कर देना है। और फ्रेंड्स फोर्थ लगाना है तो जैसे ही थर्ड है उसी के नीचे आप न्यूट्रल करके फिर नीचे फोर्थ लगाए। और फ्रेंड्स अगर आपको फिफ्थ गियर लगाना है तो आपको न्यूट्रल पे आके आपको एल में ऊपर जाना है, ये लग गया आपका फिफ्थ गियर। और फ्रेंड्स और ये है फिफ्थ गियर, फिर यहीं से आप डायरेक्ट न्यूट्रल पे भी आ सकते हैं ऐसे करके, न्यूट्रल पे आए एल में ही। और फ्रेंड्स अगर आपको रिवर्स का करना है तो फ्रेंड्स आपको एल बना के नीचे साइड आना, ये हो गया आपका रिवर्स। तो फ्रेंड्स यहीं पे फिर आप फ्रेंड्स आप इसको न्यूट्रल कर ले। फ्रेंड्स ये हमारा हैंड ब्रेक होता है, सबको गाड़ी में अलग अलग हैंड ब्रेक होते हैं फ्रेंड्स, तो पहले आप हैंड ब्रेक हटा ले तब फिर गाड़ी स्टार्ट करें, वरना गाड़ी प्रॉब्लम दे सकती है। फ्रेंड्स ये हमारा रेस हो गया। फ्रेंड्स रेस में फ्रेंड्स मैं बता दूं क्या होता है। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, आप फ्रेंड्स जैसे आप 20 की स्पीड में चल रहे थे फ्रेंड्स, आप फर्स्ट गियर में ही चलाए, और फ्रेंड्स 20 से पार होते थे फ्रेंड्स सेकंड गियर लगाए, और फ्रेंड्स और जैसे आप 30 पे आते फ्रेंड्स थर्ड गियर पे लगाए, और 40 के पार हुए थे फोर्थ गियर पे लगाए, और जो 60 पे भी फोर्थ गियर पे चला सकते हैं। और फिफ्थ गियर तो आप हाईवे वगैरह पे 100 या 80 के स्पीड में चलाए, लेकिन आप 60 के मिनिमम स्पीड में चलाए। तो फ्रेंड्स यही है फ्रेंड्स आज पहली वीडियो। फ्रेंड्स अगर फ्रेंड्स इस वीडियो मेरी अच्छी और लाइक आई और कमेंट आए तो फ्रेंड्स मैं आगे प्रोसेस अच्छे से बताऊंगा कि गाड़ी कैसे चलाते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको गियर ब्रेक के बारे में बता दिया, फ्रेंड्स आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी। फ्रेंड्स अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स जरूर लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।